उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग चुकी हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने 15 तारीख तक चुनाव प्रचार पे रोक लगाई है। कलियर से दो बार के विधायक फुरकान अहमद जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से इनकी चुनाव की तैयारी है। विधायक जी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, दो बार से आप कलियर के विधायक हैं, किस तरह की अब तीसरी बार तैयारी है, क्या हैट्रिक लगाएंगे? देखो, हैट्रिक तो इंशाल्लाह जरूर लगेगी, क्योंकि हमने अपने क्षेत्र में काम किया और जब 2017 में बीजेपी की सरकार आई, बहुत बड़े बड़े वादे किए कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, हम बड़े बड़े क्षेत्र में विकास करेंगे। कोई विकास नाम की बड़ी बड़ी कोई चीज़ नहीं की। महंगाई कम करेंगे, आपके सामने आज डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, हर चीज़ की कितनी महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है। रोज़गार देंगे, आज हमारे युवा पढ़ लिख कर डिग्री लिए सड़कों फिर रहे हैं, कहीं रोज़गार नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक बहुत बड़ा वादा क्या था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। 2022 शुरू हो गया, जो आय किसानों की पहले थी वो भी आधी हो चुकी है, क्योंकि गन्ने का या किसी फसलों का रेट नहीं बढ़ाया। डीजल का रेट, यूरिया खाद, जो भी कृषि यंत्र, सबके आसमान डबल हो, सबके रेट डबल हो चुके हैं। इसलिए हर जगह बीजेपी फेल, इसलिए जनता ने मन बना चुका है। और तो और, हमारा जो भाईचारा था, वो भाईचारा ख़त्म करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। आज हर वर्ग परेशान है, किसान हो, मजदूर हो, पिछड़ा हो, ऊँचा हो, कोई भी हो, हर वर्ग आज बीजेपी से परेशान है। इसलिए जनता ने मन बना चुका है कि आने वाला 2022 का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर वर्ग आज बीजेपी से परेशान है, इसलिए जनता ने मन बना चुका है कि आने वाला 2022 का चुनाव कांग्रेस के पक्ष में जाएगा और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मुख्य मुद्दे क्या हैं जो चुनाव में लेकर उतर रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी? नहीं, नंबर एक बेरोजगारी और महंगाई और बहुत से मुद्दे हैं। क्राइम, आज जगह जगह पुलिस लुटाई कर रही है, कहीं मास्क के नाम पर, कहीं कागज़ों के नाम पर, कहीं हमारे जो छोटे छोटे काम, ट्रैक्टर ट्राली लोग, मजदूर काम करते हैं, आज उन्हें जगह जगह रोक कर उनके बड़े बड़े जुर्माने कर जाते हैं। आज एक तरफ तो बेरोजगारी है और दूसरी तरफ पुलिस ने, प्रशासन ने, हर कर्मचारी ने जनता को लूटने का काम कर रहा है। इसलिए जनता बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, भाजपा से के बहुत खिलाफ है, इसलिए आने वाला चुनाव कांग्रेस का होगा। 2012 में आपने दो बार के विधायक हाजी मोहम्मद शहजाद को, जो बसपा से थे प्रत्याशी, उनको हराया। 2017 में बीजेपी को हराया, इस बार किससे मुकाबला मान रहे हैं? इंशाल्लाह इस बार किसी से मुकाबला नहीं है, क्योंकि जब एक पिछली बार मोदी की भयंकर लहर चल रही थी, उस बार भी मुझे मेरी विधानसभा की जनता ने, मेरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने, कोई मेरे बूथ, मेरी विधानसभा में जितने बूथ पड़ते, कोई बूथ ऐसा नहीं था जिस वर्ग से मुझे वोट ना मिला है, क्योंकि मैंने जात बिरादरी से ऊपर उठकर पूरे 44 के 44 गांव में काम किया। इसलिए इस बार तो कोई मुकाबला है नहीं, क्योंकि हमने क्षेत्र में काम किया, अपनी जनता के बीच में रहे, तो इसलिए इस बार कोई मुकाबला नहीं है। इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से हमारी जीत होगी। आखिरी सवाल, यदि 2022 में जनता कांग्रेस पे विश्वास जताती है तो मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? नहीं, ये तो सबको जानते हैं कि यहाँ पे मानो जो सबसे मजबूत है हरीश रावत जी के अलावा यहाँ पर कोई कांग्रेस में इतना बड़ा लीडर नहीं है। कांग्रेस, मुझे उम्मीद है कि हमारा हाईकमान माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा और वहीं यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कलियर से विधायक हाजी मोहम्मद फुरकान जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 2012 और 2017 में जिस तरह जनता ने मुझे प्यार दिया, 2022 में भी इसी तरह जनता प्यार देने जा रही है और हैट्रिक लगाने के लिए वो तैयार है। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, कलियर।